हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सर्कल अड्डू में। दोस्तों, लंबे इंतजार के बाद यात्रियों को मिली बहुत ही बड़ी खुशखबरी। रेलवे ने दूर कर दी है यात्रियों की बहुत लंबी देर से आ रही एक समस्या को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इसी नई अपडेट के बारे में बताएंगे वो कौन सी समस्या है जो कि दोस्तों यात्रियों की रेलवे ने यहाँ पर दूर कर दी है। तब तक आप दोस्तों वीडियो को लाइक करें, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि दोस्तों आप सभी को रेल जो छोटी बड़ी अपडेट सभी मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आपने अगर रेलवे में सफ़र किया होगा एसी में, तो आपने दोस्तों ये कई बार नोटिस किया होगा कि आप सभी को दोस्तों जो बेड रोल मिलते हैं, यानी कि दोस्तों आप सभी को कई बार बेड रोल गंदा साफ यहाँ पे मिलते रहता है। एसी को लेकर दोस्तों यात्रियों को भी काफ़ी शिकायत यहाँ पे करते हैं और रेलवे के पास भी दोस्तों काफ़ी शिकायतें आ रही थी। बेड रोल गंदा या साफ है, इसके बारे में दोस्तों रेल यात्रियों की बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिल रही है। दोस्तों बता दें, बेड रोल में QR कोड रहेगा। QR कोड से आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि जो बेड रोल है, तौलिया है या दोस्तों जो कंबल है, इसको लेकर दोस्तों कब यहाँ पर इसको धोया गया है और ये दोस्तों लास्ट कब धोया है, नया है या नहीं, धुला हुआ है या नहीं, और दोस्तों कब धुला है, धुला हुआ है तो कब धुला हुआ है। दोस्तों बता दें, रेलवे के मुताबिक शिकायतों पर अंकुश लगाने की उम्मीद है। दोस्तों रेलवे को कई बार यहाँ पर काफ़ी शिकायतें मिल रही थी यहाँ पर दोस्तों, इसलिए इस नई सुविधा को यहाँ पर शिकायतों पर अंकुश लगाने की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है रेलवे की तरफ से। रेलवे की ओर से कई ट्रेनों में दिए जाने कंबल बेड रोल पैकेट में QR कोड अंकित करना यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। QR कोड स्कैन करने के बाद बेड रोल गंदा मिलने के बाद उसे तुरंत बदला जाएगा। इसके बाद दोस्तों कोच अटेंडर की जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है कि वो साफ ही सभी चीज़ दें। दोस्तों किस किस ट्रेनों में ये सुविधा शुरू कर दी गई आप तो बता दें। बताया जाता है कि रेलवे स्टेशन से खुलने व गुजरने वाली महत्वपूर्ण ट्रेनों में से यह सुविधा यहाँ पर शुरू कर दी गई है। दोस्तों बता दें, महाबोधि एक्सप्रेस, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस, रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस सहित अन्य ट्रेनों में दिए जाने वाले बेड रोल पर पैकेट पर QR कोड अंकित किए गए हैं। धीरे धीरे दोस्तों सभी ट्रेनों में दिए जाने वाले बेड रोल पे पैकेट में QR कोड अंकित किए जाएंगे, जिससे दोस्तों आप उसको स्कैन करके ये पता लगा सकते हैं कि ये कंबल पिछली बार कब धुला या दोस्तों धुला हुआ है या नहीं। क्या कहते हैं दोस्तों CPRO इस संबंध में? दोस्तों हाजीपुर के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि रेल यात्रियों द्वारा बेड रोल के बारे में शिकायतें की जाती थी। इस शिकायत पर अंकुश लगाने के लिए बेड रोल के पैकेट पर QR कोड अंकित किया गया है। इस कोड के माध्यम से रेल यात्रियों को बेड रोल का विवरण की जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। कई बार बेड रोल गंदा रहने पर रेल यात्री हंगामा भी करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। स्कैन करने पर अगर बेड रोल गंदा मिले तो उसे तुरंत बदला जाएगा। तो दोस्तों यही अपडेट थी। अगर आप एसी में सफ़र करते हैं और बेड रोल से परेशान होते थे, अगर आप दोस्तों कई बार कंप्लेन भी यात्री लोग काफ़ी करते हैं, काफ़ी लोग दोस्तों बीमार भी हो जाते हैं, बड़े लोग, बुजुर्ग लोग दोस्तों काफ़ी बीमार भी, बेड रोल गंदे होने से दोस्तों दूसरों की बीमारियाँ, या दोस्तों ऐसा हो सकता है कि यूज़ किए हुए बेड रोल आपको यहाँ पर दे दिया जाता है कई बार, तो अब ऐसे में दोस्तों आप सभी स्कैन करके ये पता लगा सकते हैं कि बेड रोल कब धुला था और सही है या नहीं, जिससे दोस्तों अगर आपको ऐसा पता लगता है कि नहीं ये धुला हुआ नहीं है तो आप दोस्तों तुरंत इसको बदलवा सकते हैं। अटेंडेंट जो है आपको तुरंत नई बेड रोल यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। बाकी दोस्तों ये अपडेट आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और नई अपडेट जानकारी पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है सरकारी लड़ गुरु को, ताकि दोस्तों रेल छोटी बड़ी अपडेट आप सभी को चैनल के माध्यम से मिल सके। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक और नई बहुत ही जल्द एक और नई रेल अपडेट के साथ।